उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसे पुलिस प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन ने गंभीरता से लिया, जिसके बाद से ही पुलिस अलर्ट है। यही धमकी किसने भेजी, इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली और यूपी के कई स्कूलों को भी बीते दिनों इस तरह से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया था। हालांकि किसी भी स्कूल से चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली थी। वहीं अब उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग की जा रही है। हालांकि अभी तक एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में किसी भी तरह की कोई विस्फोटक या संदिग्ध चीज नहीं मिली। वहीं इस मामले में एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई, जिस कारण इस मामले में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए पंतनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर सुमित सक्सेना ने कहा कि मेल के जरिए पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस की तरफ से बम स्क्वाड टीम को यहां भेजा गया था, जिसने पूरे पंतनगर एयरपोर्ट परिसर की चेकिंग की। चेकिंग में कुछ भी नहीं मिला, हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस को तहरीर दे दी गई है। वहीं उधम सिंह नगर SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि सोमवार देर शाम एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। BDS यानी बम स्क्वाड टीम की टीम एयरपोर्ट में चेकिंग अभियान चलाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी है।